फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 150 नहीं आएगी, फर्स्ट 150 फर्स्ट 150 नहीं तो इससे मतलब 300 से पीछे पीछे या तो 150 चल रहा है ना, अगर सर समझ रहा है सबको जाना 150 आ रही है150 के पहले 250 सर वो 100 से स्टार्ट होगी ना अभी भी वैल्यू अब 150 रखना है ना, 300 450 देखो मेरे को तो क्वेश्चन का टाइप याद है, वैल्यूज मन से बना लो। ये मैंने बना दिया ऐसा कि फ्यू आर द फ्रीक्वेंसी और द ऑर्गन पाइप ओपन एट द बोथ एंड। अब देखो बताना क्या है कि ये फ्रीक्वेंसीज तो मिल रही है बट ये कौन से नंबर की होगी अभी हमें ये नहीं पता। हमें अभी क्या पता है कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप है दोनों एंड से तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस आएगा भाई किसके बराबर होता है, फंडामेंटल बराबर अब आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का भी कितना है 150, इन दोनों का भी कितना है 150। तो यहां से क्या मिलेगा, इसका मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 150 हर्ट्ज। अब देखना मैंने फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ध्यान सुनना मैंने बोला एक मिनट, सिक्स ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ। अब मैंने इसके बाद थ्योरी याद रखा, सिक्स ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब दोनों एंड कैसे होते हैं फिक्स, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलती है, सारी मिलती है F1, 2F1, 3F1, 4F1 ऐसे आगे चलो। तो 2F1 को क्या बोला था, फर्स्ट ओवरटोन, फिर 3F1 को क्या बोला था सेकंड। तो मैंने किसकी पूछी, सिक्स ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, सेवन टाइम्स किसके। तो अगर सिक्स ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे, देखना सिक्स ओवरटोन की तो वो क्या हो जाएगी, सेवन टाइम्स ऑफ समझे, तो वो कितनी आ जाएगी into 150 दैट इज इक्वल टू कितना 1050। ये पैटर्न नेट में पूछा हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी पे 450 वाली, मैं सब पूछ लूं व्हिच फ्रीक्वेंसी इज दिस 450। तो फंडामेंटल 150 आ गई तो इसके पहले कौन सी आएगी, 300। इसके पहले कौन सी आएगी, 300। इसके पहले बस हाँ, तो ये वाली मतलब फंडामेंटल पहली है, तो ये कौन सी है F1। तो ये कितनी होगी 2F1, ये कौन सी हमारी, तो जो 450 हर्ट्ज वाली इसको नाम क्या देंगे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स इस तरह से, ऐसे इसको भी नाम इसको भी नाम। अब जो पूछना चाहे वो आप लोग बता सकते हो। देख लो पहला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट बस यूज क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज क्या हो रहा है ये वाला कि जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो सारी मिलती है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पड़ोसी का जो डिफरेंस होता है वही किसके बराबर होता है, फंडामेंटल के बराबर। ये पॉइंट ठीक है। अब अगला वाला आप लोग सोच लो, अगर दूसरा केस लू, दूसरा केस मतलब वन एंड कैसा है, ओपन है और वन एंड कैसा है फिक्स, इसका स्ट्रिंग में कंपैरिजन क्या होता है, इसका स्ट्रिंग में कंपैरिजन क्या है, ओपन एंड मतलब क्या, वन एंड फिक्स और वन एंड क्या होगा फ्री। हाँ अरे ठीक है आप समझ गए ना, यहाँ फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी मिलती है, अब यहां मुझे बताओ अगर एक एंड फिक्स्ड है
एक एंड फ्री है या ऑर्गन पाइप में एक खोला एक बंद है, आपने बोला ओनली द ऑड फ्रीक्वेंसीज विल बी ऑब्टेंड, ये क्वेश्चन था एग्जाम में। अब मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा ना एग्जाम में लिखा था, एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा, ये थ्योरी आना चाहिए। अब दो पड़ोसी पड़ोसी के बीच के अगर डिफरेंस को आप क्या करोगे, माइनस करो, समझो तो ये कितना आ जाएगा आपका, सो द डिफरेंस बिटवीन द टू पड़ोसी पड़ोसी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस, यहां पर भी कितना आएगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस। तो यहां क्वेश्चन बनाए, यहां क्वेश्चन बनाए ऐसा लिखा था फ्यू फ्रीक्वेंसीज, फ्यू का कतर मतलब नहीं कि वो लाइन बाय लाइन है, फ्यू फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्गन पाइप क्लोज दैट वन इस लाइन को पढ़ना, जैसे ही वो लाइन पढ़ी कि क्लोज दैट वन हेड मतलब स्ट्रिंग के दोनों केस के साथ कंपेयर कर लो, फ्यू फ्रीक्वेंसीज ऑफ दे दीज आर, एक मिनट उसको बना ले, few frequencies of an organ pipe closed at one end, देख लो एक एंड organ pipe का क्या है closed, अब एक एंड जब closed होता है तो कौन सी frequency मिलेगी, एक एंड हाँ odd, कौन सी मिलेगी odd, कौन कौन सी F1, 3F1, 5F1, ठीक है, एक एंड जब ओपन होता है तो कौन सी मिलती है हमारी ऑड मिलती है, फ्यू फ्रीक्वेंसी आपकी ये वाली, वही पहला क्वेश्चन फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी, ये कौन से नंबर की है, फिर ये कौन से नंबर की, ये कौन से नंबर की, इस पर भी बात करेंगे, बट पॉइंट समझना है, तो जब एक एंड फिक्स्ड है तो आपने क्या बोला कौन सी मिलेगी ऑड मिलेगी, मतलब ये वाली सारी कौन सी है ऑड फ्रीक्वेंसी, बस पटक लो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का, तो बस जब ऑड मिलती है तो जो डिफरेंस है वही किसके बराबर होता है फंडामेंटल, पिछले वाले क्वेश्चन इस पे फर्क समझना है, तो वहां डिफरेंस ही किसके बराबर था फंडामेंटल, बट यहाँ चूंकि ऑड मिलती है तो ये जो डिफरेंस है 100 ये किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल, दैट इज इक्वल टू कितना 100, तो फंडामेंटल किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो ऑर्गन पाइप है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी है 50 है, बस उल्टा ले जाओ और इसके पहले क्या जाएगी, डिफरेंस कितने का आ रहा है 100 का, तो इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 250, उसके पहले वाली 150, उसके पहले वाली कौन सी, तो ये 50 क्या है, यही क्या है फंडामेंटल है, क्या बोलते हो भाई, बस उठा के ले जाओ, तो ये वाली कौन सी है आपकी फंडामेंटल F1 है, ये वाली कौन सी है हाँ, तो वो कितनी है 3F1 कर लो, ये कितनी है F1, ये कितनी है 7F1, ये कितनी है 100, बस नामांतरण कर देते हैं, यशस्वी बताएगी हमने को यशस्वी, हाँ बेटा खड़े हो, ये तो मैंने क्वेश्चन में बनाया है, पीछे ले जाके क्वेश्चन में क्या दी थी ये वाली फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे, कौन सा ऑड में ध्यान रखना, ये कौन सी 7F1 है ना, इसके पहले क्या आएगी 5F1,
फिर कितनी आएगी, 3f1, फिर कितनी आएगी f1, तो बेटा ऐसे 50, 150, 250, 350। बैठो, क्या बताते हैं, यहाँ गलती हो जाती है, ओवर टोन डिसाइड कैसे करते हैं? फंडामेंटल के बाद जो मिल रही है उससे ओवरटोन काउंट करना क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, और हार्मोनिक्स जो नंबर रहता है। तो बेटा यशश्री, ये फंडामेंटल है, इसके जस्ट बाद कौन सी मिलेगी, 3f1, तो ये 3f1 को क्या नाम देंगे, फर्स्ट ओवरटोन और हार्मोनिक्स क्या बनेगा, सही। इसके बाद इसको फंडामेंटल के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद ये क्या बनेगा, सेकंड ओवरटोन, हार्मोनिक्स कौन सा होगा, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी, थर्ड ओवरटोन और हार्मोनिक्स कौन सा होगा, सेवंथ। इस तरह चलते जाइए, ये देखिए क्या क्या पॉइंट सीखना है, कि एक एंड ओपन होता है तो डिफरेंस ट्वाइस के बराबर होता है, ऐसे सारे बना लो। अब इसमें जनरलाइज करूं मैं, दीपक मैं आपसे बोलो ध्यान से सुनना, थोड़ा ज्यादा आगे का पूछते हैं, मैं आपसे पूछूंगा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ओवरटोन, जल्दीबाजी में बताना है, पहले विचार कर लेना सब, कोई बोलेगा नहीं, ये थोड़ा मैंने आगे का पूछ लिया, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ओवरटोन जनरलाइज कैसे करेंगे, सिर्फ दीपक बताइए, बाकी सब सोच लो। हाँ क्या कितना, 12 into f1, ठीक है सिद्धि, थोड़ा जनरलाइज करना पड़ा आगे जाके, ऐसा और विचार कर लो, बोले थे आपका आंसर ये होता है, ऐसे विचार करो, यश क्या करना है, आधे दबा टेस्ट, हाँ 20, ठीक है, हाँ बेटा दीपक, शबरी बोलो, ठीक है, हाँ भाई आदिल, चौटी 3, हाँ सोचो, सब लोग विचार कर लो, हाँ बेटा यशस्वी काम दे, 21, ठीक है, तुम बताओ 23, तुम क्या बोल रहे, हाँ बेटा अध्यानी, हाँ करो ना, जब जब 10-15 आगे का बोल लेंगे ना तो उससे चेंज बनानी पड़ेगी, तुम लोग एनेक टर्म है तो एनेक टर्म से ही हो सकता है, हाँ हाँ बना लो, हाँ दिव्या 23, देखो देखो देखो, थोड़ा आप लोगों को मैथ्स इनका चलो है, कोई दिक्कत नहीं, देखो उधर ज्यादा आगे का पूछ लेंगे तो क्या करोगे, यहां तक तो ठीक है, ज्यादा आगे का देखो कैसा है, ओ आप देख लो अच्छे से, फिर अभी एक अपन ओरल टेस्ट लेंगे, बायोलॉजी में सर लेते हैं ओरल टेस्ट, आज वो ओरल टेस्ट का समय आ गया है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ओरल लेने वाला, देखना जनरलाइज कैसे करते हैं, ये समझ में फंडामेंटल को क्या बोल सकते हैं, जीरो ओवरटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यही चालू किया है, और फर्स्ट क्या है हार्मोनिक, जब बहुत आगे की पूछ लूंगा 20 आगे 30 आगे, तो या तो क्या करोगे, गधा अम्मा लिखे हो तो बनाओ फिर 1 2 3 4 5 पूरे पेपर पे, वो भी करने के तरीके, इसमें क्या दिक्कत है, बट जनरलाइज भी कर सकते हैं, जनरलाइज कैसे करेंगे, इसको क्या बोला, फर्स्ट कौन सा है ओवरटोन और हार्मोनिक्स कौन सा है, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स का तो मैंने सीखा है, जो यहाँ नंबर लिखा होता है
वही क्या होता है हार्मोनस होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जनरेशन के लिए, ये क्या है सेकंड ओवीटी ओवरटोन और अच्छा ये ऑड नंबर चल रहा है इस तरह से। ऑड नंबर को जो जनरलाइज करते हैं मैथमेटिक्स में, ऑड नंबर मतलब होता है और नंबर का मतलब क्या होता है कोइन प्लस वन। अब सवाल यहाँ एन की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करें, वो भी तो है ना, एन की वैल्यू स्टार्ट हम लोग कहाँ से करें, क्यों दिया बताओ। हाँ एन की वैल्यू जीरो से। देखो जब यहाँ एन की वैल्यू बच्चों जीरो रख दोगे, अगर एन की वैल्यू जीरो रख दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा फर्स्ट ओवरटोन आ जाएगा, एक मिनट का आपको समय। इनके वैल्यू वन रखेंगे तो थ्री है, टू रखेंगे तो हार्मोनिक की मिलेगी ना। हाँ सर, हाँ सर, इसमें ऐसे भी रिलेशन निकाल सकते हैं ना, जैसे कि जो थर्ड हार्मोनिक है वो फर्स्ट ओवरटोन है, फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन है। सो अगर सर हम ऐसे रिलेशन देखें तो उसमें जो डिफरेंस बन रहा है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है। हाँ वो भी आपको अगर समझ में आ रहा तो वो कर लो, पहले टू फिर थ्री, पर वो नहीं बोलता नहीं नहीं मैं तो बस ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरलाइज कैसे लिख रहे हैं। हाँ वही सोच रहा हूँ, ये एन जो है ये ओवरटोन की संख्या है। एक बच्चों को समझाने के लिए सोच तो लेता हूँ, मुझे तो आते ही पहले से बताना कैसे वो सोच रहे। देखो जहां पे इस एन को कह सकते हैं भाई, देखो ऑड नंबर चल रहा था 1 3 5 7, तो ऑड नंबर की एडिटर हमेशा ये होती है 2n+1। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये n क्या है नंबर ऑफ ओवरटोन। एक काम करो क्रॉस चेक करो सही बन रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना n की वैल्यू जीरो है मतलब n की वैल्यू जीरो मतलब कौन सा ओवरटोन है, जीरो है ओवरटोन है। तो n की वैल्यू जीरो रख दोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी आपकी f1 मिल जाएगी। यहाँ रखो n की वैल्यू जीरो तो कितनी मिल जाएगी आपकी F1। देखो n की वैल्यू जीरो मतलब क्या, जीरो ओवरटोन है तो फ्रीक्वेंसी कौन सी मिल जाएगी फर्स्ट हार्मोन। अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रख दोगे तो n क्या है आपके नंबर ऑफ ओवरटोन, अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रख दोगे मतलब कौन सा ओवरटोन है फर्स्ट ओवरटोन। तो n की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2+1 यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो वो कितनी आ जाएगी 3। देख लो फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक्स ऐसा आगे एक और बढ़ा लो, n की वैल्यू 2 रख दोगे तो एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरटोन, तो एन की वैल्यू 2 मतलब कौन सा सेकंड ओवरटोन, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2 2+1 कितनी आ जाएगी। देख अब मैंने किसकी पूछी थी बताओ, कौन सी पूछी थी 11। हाँ तो 11th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी रखोगे तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी रख दोगे 11, तो 11th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 × 11+1, तो वो कितनी हो जाएगी 23 × 1। एक तरीका तो ये हो गया, देख लो उसको। हाँ सर, अगर अपन 2n माइनस